वेलकम है हमारे जीएस इंडिया यूट्यूब चैनल्स पे। टुडे वी हैव सिलेक्टेड टेस्ट नंबर 86। फ्रेंड्स, ये हमारा टेस्ट नंबर 86 है माइक्रोबायोलॉजी से। फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं कमीशन के द्वारा, आयोग के द्वारा, जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स हैं फ्रेंड्स, सभी के द्वारा जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वही हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं और आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं फ्रेंड्स इन फ्यूचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, वो चाहे ANM हो, ऑल स्टेट से रिलेटेड स्टाफ नर्स ऑल स्टेट्स फ्रेंड्स, MPPP, वेपन्स एंड UPCHO, MPCHO, राजस्थान, बिहार फ्रेंड्स, सभी नर्सिंग एग्जाम्स के लिए, आर्मी नर्सिंग, CRPF नर्सिंग, PGI, एम्स, ESIC फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑल स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ से अपने आप को जांच सकते हैं और अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर और अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी? आप बता सकते हैं अपना आंसर क्या होगा। आंसर इसका अप्रोप्रिएट, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको बताना होगा। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स डी, लियोन हॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का जो जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, पिता कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? लियोन हॉक को कहा जाता है। स्पेलिंग यहां से देख ले, हिंदी में इस तरह लिखा जाता है। चलिए हम बात करते हैं आपसे थोड़ा डिटेल्स में। यहां पर आप पढ़ सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द माइक्रोब्स इच एंड द ऑर्गेनिज्म डेट इज टू स्मॉल टू बी सीन बाई द नेक्ड आई ऑफ द ह्यूमन बींग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पहले बात समझना होगा आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं या माइक्रोब्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं या इतने छोटे एनिमल्स होते हैं जिनको हमारी आंखें क्या होती हैं, नेक्ड आंखों से मुश्किल से दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते, आप इस तरह समझ सकते हैं, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम के जाना जाता है। ठीक है, और इसी के जो जनक हैं, जिसके बारे में ज़्यादा गहराई से जिन्होंने अध्ययन किया, इसके बारे में पता किया, तो वो थे लियोन हॉक। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो मेंशन है, दे आर द यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर एज वेल एज द मल्टीसेलुलर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। कभी हम नेक्स्ट टेस्ट में आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल्स में। फिर देखें सम एग्जांपल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप समझे क्या क्या होते हैं। बैक्टीरिया एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, फंगी या फंगस कहें एक प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, या वायरसज, वायरस या विषाणु कहें, जीवाणु, प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस, ये एक प्रकार से क्या है, ये लिखा है आर्की, एक प्रकार से ये सभी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और हम इस किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, आर्की, ये सभी क्या है, एक प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हैं। द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द माइक्रोबायोलॉजी। इन्हीं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, इसी के बारे में जो जानकारी प्राप्त की जाती है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी के बारे में, इसी के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से ये लेसन कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर एक कंडीशन है, बाय द वे मान लो ऑप्शन में आपके लियोन हॉक नहीं दिया गया, ऑप्शन में लियोन हॉक नहीं दिया गया, लुईस पॉस्चर दिया गया, तब आपका आंसर लुईस पॉस्चर सही माना जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। मोस्टली अगर आपके एग्जाम्स में लियोन हॉक दिया गया है तो 100% राइट आंसर यही है, राइट आंसर यही माना जाएगा। अगर माई दबे मान लो एग्जाम्स में नहीं दिया गया लियोन हॉक, तब आपका आंसर क्या होगा, लुईस पॉस्चर होगा। वैसे आंसर आपका लियोन हॉक राइट इज आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा अगर आप पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं, द सब्जेक्ट बिगेन विद द डिस्कवर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म 1674 बाई एंटीन्यू वैन लियोन हॉक। इनका जो पूरा नाम है ये मेंशन है यहाँ पर, जो लियोन हॉक का पूरा नाम है यहाँ पर। इन्होंने जब अध्ययन करना स्टार्ट किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में 1674 ईस्वी में इन्होंने स्टार्ट किया था इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा टू, क्वेश्चन नंबर टू पढ़ सकते हैं, अपना आंसर बता सकते हैं। इंडोस्कोप का एस्टलाइजेशन किस विधि द्वारा किया जाता है? बाई विच मेथड इज एस्टलाइजेशन ऑफ द इंडोस्कोप डन? बताएं अपना आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्या होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर टू, इंडोस्कोप का जो स्टलाइजेशन किया जाता है वो किस विधि से किया जाता है, क्या होगा आंसर इसका। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी, क्या है ऑप्शन बी, 2% यहाँ लिखा है 2% ग्लूटेरल, ये लिखा है ग्लूटेरल डिहाइड। यहाँ पर आप देख लें, टफ वर्ड है, कन्फर्म कर ले, जो इंडोस्कोप का स्टलाइजेशन किया जाता है वो 2% लिया जाता है, क्या लिया जाता है, ये लिखा है ग्लूटेरल डिहाइड। यहाँ पर पता है ग्लू, ये लिखा है ग्लू ट्रेल डिहाइड, काफ़ी टफ वर्ड है, आप यहाँ से कंफर्म कर लें और इसे समझ लें, केवल डिटेल्स थोड़ा जान लें इसके बारे में। इंग्लिश में यहाँ पर देख सकते हैं ये स्पेलिंग लिखी हुई है, ये लिखा है ग्लू ट्रेल डिहाइड। इसका जो टेम्परेचर होगा
वो टेम्परेचर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 20 से 25 के बीच में होगा। हो सकता है आपको 20 मिल जाए ऑप्शन में या 25 मिल जाएगा, दोनों में से एक ही मिलेगा। जब आपसे इंडोस्कोप का इसके लिए स्टेलाइजेशन का टेम्परेचर पूछा जाएगा तब आप टेम्परेचर ये बताएंगे। जब टाइमिंग पूछा जाएगा तब आप बताएंगे इसमें जो टाइमिंग लगता है इसको स्टेलाइजेशन करने में, इस टाइमिंग जो लगती है वो 20 से 90 मिनट की टाइमिंग लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3, पढ़ लें अपना आंसर बताएं। ऑपरेशन थिएटर का ये लिखा है निर्जीवाणुकरण किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेशन थिएटर इज स्टलाइज, मतलब जो ऑपरेशन थिएटर उसका जो स्टलाइजेशन किया जाता है किसके माध्यम से किया जाता है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप अपना आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन है इसका फ्रंट डी, फॉर्मेल्डिहाइड गैस के द्वारा किया जाता है। जो ऑपरेशन थिएटर होते हैं इसमें जो स्टलाइज किया जाता है ना, इनका स्टलाइजेशन हिंदी में ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा है निर्जीवाणुकरण, मतलब जो जीवाणु होते हैं उनको मतलब वहाँ से गायब कर दिया जाता है या उनको हटाने का मेथड होता है स्टलाइज करना। तो कौन सी गैस यूज की जाती है? फॉर्मेल्डिहाइड गैस यूज की जाती है। इंग्लिश में आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पेलिंग ये लिखी हुई फॉर्मेल्डिहाइड गैस की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 पे मेंशन है कौन सा एंटीबॉडीज अपरा को पार कर शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करता है? क्वेश्चन कई प्रकार से बनते हैं, एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से घुमा के पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर समझे अपरा मतलब होता है प्लेसेंटा। ठीक है, ये लिखा है विच एंटीबॉडी क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड द इम्यूनिटी टू द बेबी? क्या होगा आंसर इसका? अपना आंसर बता सकते हैं आप। ऑप्शन है इसका फ्रेंड सी, ऑप्शन क्या है इसका? सी है, IgG। यहाँ पर आप देख लें अच्छे से, ये एंटीबॉडीज जो है पार कर शिशु को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा मतलब होता है इम्यूनिटी प्रदान करता है, किसे? प्रोवाइड टू द बेबी, बेबी को। ये कौन सा होता है एंटीबॉडीज? IgJ होता है। ये कई प्रकार के होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इम्यूनोग्लोबिन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, IgG के बारे में। इज द ओनली एंटीबॉडीज आइसोटॉप डेट कैन पासिस थ्रू दी ह्यूमन प्लेसेंटा एंड इज द मोस्ट कॉमन एंटीबॉडीज ऑफ द 5 टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडीज। ये क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं अगर जानना चाहें तो आपको बता दें, ये होता है IgA, यहाँ पर मेंशन है आप देख लें यहाँ से, IgA होता है, IgM होता है, IgG होता है, ये सारे होते हैं। ठीक है, और IgE भी होता है, ये सारे इसके टाइप्स हैं इम्यूनोग्लोबिन के या एंटीबॉडीज किस तरह के। फिर है फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, ये क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं IgG एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट द अगेंस्ट बैक्टीरियल एंटी वायरल इन्फेक्शन इन द फेटस। ये क्या करते हैं? फेटस में बेबी को क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, किससे? बैक्टीरिया से और वायरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पढ़ लें अपना आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 5, और बताएं आपने कितने क्वेश्चन सही किए। कौन सी एंटीबॉडी की उपस्थिति अगर शिशु के सीरम में पाई जाती है तो वह जन्मजात संक्रमण को इंगित करती है? द प्रेजेंस ऑफ विच एंटीबॉडी इज फाउंड इन द इन्फेंट सीरम इंडिकेट अ कॉन्जिनिटल इन्फेक्शन? क्या होगा आंसर इसका? अपना आंसर आप बता सकते हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन है ए, IgM। ऑप्शन क्या होगा? ए। आप यहां पर पढ़ सकते हैं डिटेल्स के लिए, द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडीज इन अ कॉर्ड नॉल में, इसका मतलब होगा न्यूनेटल सीरम इज द मोस्ट रिलायबल एंड द कन्वीनियंट मेथड ऑफ द एस्टेब्लिशिंग द डायग्नोसिस ऑफ द मोस्ट कॉमनली रिकोगनाइज इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन। ये इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन के लिए रिकोगनाइज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6, अच्छे से पढ़ ले क्वेश्चन नंबर 5। आप केवल आपको फोकस करना है क्वेश्चन और आंसर पे, ठीक है, अगर डिटेल समझ में नहीं आती। कल्चर के लिए मूत्र का कौन सा नमूना कलेक्ट किया जाता है? विच यूरिन सैंपल इज कलेक्टेड फॉर दी कल्चर? बता सकते हैं आप अपना आंसर? ऑप्शन है इसका बी, मिड स्ट्रीम मूत्र या मिड स्ट्रीम यूरिन कहेंगे इंग्लिश में, आप नीचे डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। कल्चर के लिए जो नमूना कलेक्ट किया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये लिखा है मिड स्ट्रीम यूरिन, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल फॉर टेस्टिंग किया जाता है इस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ें अपना आंसर बताएं। बैक्टीरिया को विकसित और संख्या वृद्धि करने के लिए निम्न में से किसकी सहायता की जरूरत होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स हेल्प टू ग्रो एंड इंक्रीज द बैक्टीरिया? क्या होगा आंसर इसका? यह भी 2016 में पूछा गया है नर्सिंग एग्जाम्स में। ऑप्शन होगा इसका डी, ये सभी की जरूरत होती है बैक्टीरिया को डेवलपमेंट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए या उसकी ग्रोविंग के लिए। पानी होना चाहिए, भोजन होना चाहिए और जो गर्म तापमान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी बैक्टीरिया के लिए जिम्मेदार होते हैं बैक्टीरिया को ग्रो करने में। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बैक्टीरिया नीड फूड वाटर एंड द प्रॉपर इन्वायरमेंट, उसके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए लाइव एंड द ग्रो, किसके लिए? ग्रो होने के लिए, जिंदा रहने के लिए। किसको? बैक्टीरिया को। और ये धूप ऊप में अगर ज़्यादा धूप हो जाती है तो क्या होते हैं? नष्ट भी हो जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। द
फूड, इसलिए प्रॉपर इनके लिए टेम्परेचर चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए इनको भी ग्रो करने के लिए। द फूड प्रोडक्ट इट सेल्फ सप्लाइज द फूड एंड द वाटर नीडेड फॉर द बैक्टीरिया ग्रोथ। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, वाटर भी होना चाहिए, फूड भी होना चाहिए, जितनी उनको ज़रूरत है उतना पहुँचना चाहिए, तो इससे क्या होगा, बैक्टीरिया जो होंगे वो ग्रोथ करते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट सी फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड्स एंड एविडेंस ऑफ द फूड एंड द वाटर फॉर दी ग्रोथ। तो ये कुछ ऐसे सी फूड्स होते हैं जिसपे, सी फूड्स मतलब होता है जो समुद्र वाले फूड होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनमें ग्रो हो जाते हैं, ये उनके जो फूड होते हैं उस पर काफ़ी एविडेंस मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया, और उसमें ज़्यादा इनके लिए अच्छा माना जाता है, अनुकूल होता है इनके लिए। क्वेश्चन नंबर है 8, मॉन्टेक्स द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है, व्हाट डिजीज इज डिटेक्टेड बाय द मॉन्टेक्स टेस्ट। क्या होगा आंसर इसका, बता सकते हैं आप अपना आंसर। ऑप्शन है इसका फ्रेंड सी, ट्यूबरक्लोसिस कहें या टीबी कहें, इसे मॉन्टेक्स टेस्ट के द्वारा जो पता किया जाता है वो ट्यूबरक्लोसिस का या टीबी का पता लगाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम्स में एक टेस्ट जरूर पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट हमने सेलेक्ट किए हैं। द मॉन्टेक्स ट्यूबरक्लो, ये लिखा है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है, ठीक है, इज आ टेस्ट टू चेक इफ अ पर्सन हैज़ बिन इन्फेक्टेड विद द टीबी बैक्टीरिया। इस पर चेक किया जाता है मॉन्टेक्स टेस्ट पे, क्या वो व्यक्ति टीबी इन्फेक्टेड है, टीबी बैक्टीरिया के द्वारा क्या इन्फेक्टेड है, हाउ डज द टेस्ट के वर्क, मतलब ये कैसे वर्क करता है, ट्यूबरिल, ये जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है ये कैसे, यूजिंग अ स्मॉल नीडल, इसमें एक स्मॉल नीडल का यूज किया जाता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर इंजेक्ट अ लिक्विड, क्या करता है, एक लिक्विड इंजेक्ट करता है, कॉल्ड द ट्यूबरकुलिन, जिसे ट्यूबरकुलिन कहा जाता है, इनटू द स्किन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द आर्म, आपकी स्किन के अंदर लोअर पार्ट ऑफ द आर्म, आपकी आर्म के लोअर पार्ट में, फिर इंजेक्टेड द स्मॉल, ये लिखा है स्मॉल पेल पंप विल बी अपियर, इससे क्या होता है, एक स्मॉल पंप क्या होता है, विल बी अपियर, अपियर हो जाएगा। आप केवल जब आपको ज़्यादा बात समझ में ना आया करे तो आप केवल मॉन्टेज टेस्ट को ध्यान रखें, किसके लिए किया जाता है, तो आपको आंसर होगा कि ये किया जाता है टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है, इतनी बात एटलीस्ट आपको याद रखनी है, या ट्यूबरक्लिन टेस्ट भी के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 9, पढ़ लें अपना आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 9, कई बार कराया है क्वेश्चन हमने, ये बता सकते हैं अपना आंसर, विडाल टेस्ट से, यहाँ पर लिख लें विडाल टेस्ट से किस बीमारी का पता लगाया जाता है, किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताएं आप, क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका ए, टाइफाइड के लिए, किसके लिए, टाइफाइड के लिए किया जाता है, विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है, यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ ले क्वेश्चन, विडाल टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट फिश डिसीजेज, टाइफाइड होगा इसका राइट आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप इसे, यहाँ पर कुछ डिटेल्स है आप पढ़ सकते हैं, द विडाल टेस्ट इज वन मेथड डेट मे यूज टू हेल्प मेक अ प्रेजम्प्टिव डायग्नोसिस ऑफ द एंट्रिक फीवर, इसी को एंट्रिक फीवर कहा जाता है और ये टाइफाइड फीवर के नाम से जाना जाता है, एंट्रिक फीवर को टाइफाइड फीवर कहा जाता है, या आप इस तरह समझ सकते हैं कि टाइफाइड फीवर को एंट्रिक फीवर कहा जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, साइनोनिम्स हैं, मतलब एक दूसरे जैसे सेम है, पर्यायवाची हैं, आप इस तरह भी समझ सकते हैं, एंट्रिक फीवर और टाइफाइड फीवर एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं, आपसे क्वेश्चन में इस तरह पूछा जा सकता है, विडाल टेस्ट से जांच की जाती है किस चीज़ की, तो हो सकता है एंट्रिक फीवर आपको मिल जाए, तब आपका आंसर ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, लेकिन दोनों कभी नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रखना है ये एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं, तो इसलिए कभी दोनों नहीं मिलेंगे, जब बात ही एक ही है तो एक ही आंसर होगा, ठीक है, विडाल टेस्ट है, एंट्रिक फीवर को टाइफाइड फीवर के नाम से जाना जाता है, या आप कहेंगे टाइफाइड फीवर को एंट्रिक फीवर के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10, HIV, यहाँ पर HIV वायरस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, HIV वायरस की पहचान है तो कौन सी जांच की जाती है, आप यहाँ पर वायरस लिख लेना, HIV वायरस की पहचान है तो कौन सी जांच की जाती है, व्हाट टेस्ट आर डन टू आइडेंटिफाई दी HIV, क्या होगा आंसर इसका, काफ़ी सिंपल है, अपना आंसर बता सकते हैं आप, ऑप्शन है इसका सी, एलिसा जाँच की जाती है, क्या एलिसा टेस्ट किया जाता है, जब HIV वायरस का जो पता लगाया जाता है क्या पता किया जाता है, किससे, एलिसा से पता किया जाता है, एलिसा एक प्रकार का टेस्ट मेथड होता है, यहाँ पर आप डिटेल में समझ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द प्राइमरी टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग द HIV एंड द एड्स इंक्लूड, ये लिखा है एलिसा टेस्ट विच स्टैंड फॉर दी, इसका पूरा नाम बहुत पूछा जाता है, ये लिखा है एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इस पर एलिसा में पूछ लिया जाएगा आपको, एलिसा में ए का मतलब क्या है, ठीक है, पूरा फुल फॉर्म नहीं भी पूछ के आपसे ए का मतलब पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए ये ऐसे होता है ASSAY, तो एक एक वर्ड पे आप फोकस करें काफ़ी अच्छे से, एंजाइम्स लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये HIV एड्स के बस एड्स से रिलेटेड है, आप HIV एड्स से रिलेटेड है, पूरा नाम यहाँ पर मेंशन है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लिखा है इफ एन एलिसा टेस्ट इज पॉजिटिव, अगर एलिसा टेस्ट पॉजिटिव पाया गया मान लो, द वेस्टर्न ब्लड टेस्ट
इज यूजुअली एडमिनिस्ट्रेट टू कन्फर्म द डायग्नोसिस। ये मैंने बताया था आपको कि जो वेस्टर्न ब्लाट होता है टेस्ट, ये भी क्या होता है, इसी से रिलेटेड होता है। किससे? HIV एड्स से रिलेटेड होता है। जब भी एलिसा टेस्ट के माध्यम से पाया जाता है कि कोई बंदा पॉजिटिव निकला, HIV पॉजिटिव निकला, तो उसे कन्फर्म करने के लिए 99% रिजल्ट जो सही आते हैं, 99% जो रिजल्ट सही आते हैं वो आते हैं वेस्टर्न ब्लड टेस्ट से आते हैं। तो इसलिए एलिसा टेस्ट को कन्फर्म करने के लिए, हाँ वो व्यक्ति पॉजिटिव है या निगेटिव, या पूरी तरह से कन्फर्म करने के लिए दोबारा वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। दोनों किससे रिलेटेड है? HIV एड्स से, ये बात ध्यान रखनी है। HIV एड्स से कोई भी, आप कुछ भी मिल सकता है आपको, तो ध्यान रखना है HIV एड्स से दोनों रिलेटेड हैं, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट और एलिसा टेस्ट। जब एलिसा में पॉजिटिव पाया जाएगा तो उसे कन्फर्म करने के लिए वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किया जाता है कि ये रियली 100% करेक्ट है या नहीं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 11, पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। टिटनेस रोग के लिए जिम्मेदार जीवाणु कौन सा है? काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है वही हमने सेलेक्ट किए यहाँ पर, आप देख सकते हैं। विच इज द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द टिटनेस डिसीज? क्या होगा आंसर इसका, बता सकते हैं अपना आंसर? ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी। क्या होगा ऑप्शन बी? ये लिखा है क्लास्ट्रिडियम। ये टिटनेस रोग के लिए जिम्मेदार एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है। ऑप्शन है इसका बी, क्लास्ट्रिडियम। स्पेलिंग यहाँ से देख लें, ये लिखा है हिंदी में भी, जो इम्पोर्टेंट है जीवाणु के नाम पूछे जाते हैं ये याद रखें, क्योंकि हमने वही सेलेक्ट किया। यहाँ पर लिखा टिटनेस इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड, ये लिखा है यहाँ पर क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी। कभी कभी ये पूरा मिल जाता है आपको, कभी कभी टिटैनी दे देता है, सी टिटैनी, तो ये पूरा कन्फर्म कर ले आप पूरा नाम, ठीक है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, ये भी पूरा मिल सकता है आपको एग्जाम्स में। तो ये टिटनेस के लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है, होने के लिए जिम्मेदार है, तो इसे कन्फर्म करें एटलीस्ट कम से कम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 12। VDRL टेस्ट से किस रोग का पता लगाया जाता है? व्हाट डिसीज इज डिटेक्टेड बाय द VDRL टेस्ट? क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है इसका बी, सिफिलिस का पता लगाया जाता है। सिफिलिस एक प्रकार का STDs है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है, या यौन संक्रमित रोग है। VDRL टेस्ट से इसका जाँच किया जाता है, पता लगाया जाता है, डायग्नोसिस किया जाता है। ओके, यहाँ पर आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है VDRL का पूरा नाम क्या होता है, आप बताएंगे विनेरियल डिसीजेज रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है, ये पूरा नाम लिखा है, अच्छे से आप स्पेलिंग देख लें यहाँ से, पढ़ लें अपने हिसाब से। ओके, विनेरियल डिसीजेज या डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी, ये VDRL का पूरा नाम है। यहाँ पर और पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, VDRL टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर दिस सिफिलिस, किसके लिए किया जाता है? सिफिलिस के लिए किया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसके संपर्क में आया जाता है इस बैक्टीरिया के, और ये किसके माध्यम से होता है? ये एक प्रकार के बैक्टीरिया के माध्यम से होता है। कौन? सिफिलिस। ये भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, सिफिलिस होता है किसके माध्यम से? जीवाणु, बैक्टीरिया या विषाणु, वायरस, इस तरह क्वेश्चन पूछा, तो आपको बताना है बैक्टीरिया या जीवाणु के माध्यम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते, क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ लें अपना आंसर बताएं। मॉन्टेस टेस्ट द्वारा किस जीवाणु की पहचान की जाती है? अभी यहां पर हमने बात, अब हम बात कर रहे हैं जीवाणु का नाम क्या होता है जिसकी जांच की जाती है, तो बताएं अपना आंसर आप, जो जीवाणु का नाम होता है। ऑप्शन होगा इसका फ्रेंड सी, माइकोबैक्टीरियम का पता लगाया जाता है। मॉन्टेस टेस्ट से क्या किया जाता है? माइकोबैक्टीरिया का पता लगाया जाता है, एक जीवाणु का नाम है, ठीक है, जिससे क्या होता है मॉन्टेस टेस्ट किया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस में, ट्यूबरक्लोसिस के लिए ये किया जाता है मॉन्टेस टेस्ट, ट्यूबरक्लोसिस के लिए किया जाता है, लेकिन उससे जो डायग्नोसिस किया जाता है वो बैक्टीरिया कौन सा होता है? ऑप्शन जो सी में लिखा है वो बैक्टीरिया का नाम लिखा, माइकोबैक्टीरिया होता है, ठीक है, माइकोबैक्टीरिया होता है जिसके बारे में जांच की जाती है। और अगर पूछा जाए मॉन्टेस टेस्ट किससे रिलेटेड है, तो ये सभी टर्म आपको ध्यान रखने, ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है और बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। यहाँ पर और लिखा है डायग्नोस्ड बाय द फाइंडिंग द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया इन अदर क्लिनिकल स्पेसिमेन टेकन फ्रॉम द पेशेंट, ये पेशेंट से लिया जाता है इसकी जांच के लिए। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 14, पढ़ें अपना आंसर बताएं। निम्न में से कौन सा जीवाणु अंगूर के गुच्छे के रूप में व्यवस्थित रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया ऑर्गेनाइज्ड एज बंच ऑफ ग्रेप्स, कौन सा होगा आंसर? जो अंगूर के गुच्छे की तरह इस तरह आपको देखा होगा, कई बार आपको इमेज दिखाई गई होगी, इस तरह अंगूर के गुच्छे की तरह होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है, तो क्या होगा आंसर इसका, बताएं अपना आंसर। ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स ए, ये लिखा है स्टेफाइलोकोकस, इंग्लिश में यहाँ पर स्पेलिंग देख लें और इसे केवल समझ लें आप कि इसे लिखा किस तरह जाता है। स्पेलिंग और हिंदी इंग्लिश दोनों में टफ है, तो स्पेलिंग पे फोकस करें। ये लिखा है स्टेफाइलोकस लोकोकस, और हिंदी में यहाँ पर आप देख लें इस तरह लिखा जाता है, इस तरह पढ़ा जाएगा आप, ठीक है, ये जीवाणु का नाम है यहाँ पर मेंशन है, ये अंगूर के गुच्छे के रूप में व्यवस्थित रहता है, ये अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देता है,
तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। ये इस तरह दिखाई देता है, ऐसे अंगूर के गुच्छा मान लो ये है, तो इस तरह ये मेंशन रहता है। आपने पढ़ा होगा इसे बायोलॉजी चैप्टर्स पे। यहाँ पर अगर और थोड़ा जानकारी चाहें, ये लिखा है द ग्रेप लाइक बंच ऑफ दी कोकस, ये लिखा है कोकस बैक्टीरिया, ये कॉन्स्टिट्यूएंट इसका नाम होता है स्टेफाइलोकोकस। फॉर द एग्जाम्पल के रूप में अगर नाम लेंगे उसका, तो ये लिखा है स्टेफाइलोकोकस ऑरस, ये दिया गया, ऑरियस दिया गया, ये पूरा उसका नाम है। कभी कभी आपको ये जो नाम यहाँ पर लिखा है स्टेफाइलोकोकस, इसी ये सिंगुलर लिखा है, ये सिंगुलर पर्सन है, ठीक है, सिंगुलर लिखा है। अगर प्लूरल में आपको बात की जाए तो इस तरह लिखा जाएगा, यू एस को हटा के आई का यहाँ आई आई ऐड कर दी जाती है, जब आई यहाँ पर ऐड होगी तो ये प्लूरल होगा, मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो कभी भी आपको इस तरह भी मिल सकता है, इस तरह भी मिल सकता है, इस बात को ध्यान रखिए, सिंगुलर लिखा है, ये प्लूरल लिखा है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 15, क्षय रोग का निम्न में से कारण है, ट्यूबरक्लोसिस इज द कॉज ऑफ द फिच ऑफ द फॉलोइंग, बताएं अपना आंसर भाई। काफ़ी सिंपल है, ऑप्शन है इसका डी, यहीं से मिलता है जुलता है, ट्यूबरक्लोसिस से मिलता जुलता है, तो आप तो ध्यान रखना है, ट्यूबर ये लिखा है ट्यूबरकल बैसिलाई, बैक्टीरियम ट्यूबरकल बैसिलाई, ये नाम है जो जिस क्षय रोग के लिए जिम्मेदार है। ट्यूबरक्लोसिस को या टीबी को हिंदी में क्षय रोग भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखनी है। यहाँ पर पढ़ लें, अधिक जानकारी आपके लिए मेंशन है, अगर पढ़ना चाहें आप। ये लिखा ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया का नाम है। द बैक्टीरिया यूजुअली अटैक द लंग्स, कहाँ अटैक्ट करता है, मोस्टली लंग्स में अटैक्ट करता है। बट द बैक्टीरिया कैन अटैक्ट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के किसी भी पार्ट में अटैक कर सकता है, सच एज जैसे आप समझ सकते हैं किडनी स्पाइन ब्रेन, इस पे भी अटैक कर, लेकिन जो मोस्टली यूजुअली जो अटैक करता है वो लंग्स में करता है, कौन, ये ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया। इसके अलावा किडनी स्पाइन ब्रेन में भी ये अटैक कर सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए 16, पढ़ें अपना आंसर बताएं। जीवाणु का कौन सा अंग गति करने में सहायक है, बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, विच ऑर्गन्स ऑफ द बैक्टीरिया इज हेल्पफुल इन मूविंग, तो क्या बताएंगे आप अपना आंसर, ऑप्शन होगा इसका भी, ये पूछा गया एग्जाम्स में क्वेश्चन, ये लिखा है फ्लैजिला, क्या लिखा है फ्लैजिला, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर। जो बैक्टीरिया होते हैं ये जो मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, किस हिसाब से चलेंगे, तो इनका जो बॉडी का पार्ट होगा वो कौन सा कार्य करता है जो चलने के लिए, यहाँ पर आप हिंदी में बात करेंगे तो ये कसाब पढ़ा जाता है, क्या कसाब, यहाँ पर हिंदी में इस तरह पढ़ा जाता है, इसका हिंदी रूपांतरण ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा है कसाब, इखा कभी मिल जाएगा और कभी कभी कसाब मिलता है हिंदी रूपांतरण, लेकिन इंग्लिश में आपको यही मिलेगा सेम हमेशा, ये लिखा है फ्लैजिला, क्या कहते हैं फ्लैजिला कहा जाता है, ऑप्शन इसका बी है। ये बैक्टीरिया का वो पार्ट होता है जो गति करता है, मतलब मूवमेंट करता है, चलता फिरता है। मैनी बैक्टीरिया मूव यूजिंग आ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड दी, इस स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं, ये पार्ट होता है उसके बॉडी का, इसका यूज करते हैं, जिसे फ्लैजिलम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, केमिकल जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है, केमिकल डेट इनहिबिट बैक्टीरिया ग्रोथ, ऑप्शन क्या होगा इसका सी, ये लिखा है बैक्टीरियो स्टैटिक, ये एक प्रकार का केमिकल होता है जो जीवाणुओं की वृद्धि को उनके ग्रोथ को क्या करता है, रोक देता है, तो ऑप्शन इसका सी होगा। इस देखो बैक्टीरिया मतलब आप समझ गए, बैक्टीरिया होगा, स्टैटिक मतलब क्या होता है, मतलब इधर उधर हिले डुले नहीं, एक जगह पर क्या रहे, डिटरमाइंड रहे, मतलब स्थिर रहे, इधर उधर घूमे फिरे नहीं, तो वो मतलब उसको क्या करेगा, रोक देगा या वृद्धि को रोक देता है, तो ये यहाँ से आप समझ सकते हैं स्टैटिक से, ठीक है, बैक्टीरियो स्टैटिक कहा जाएगा, ये पूरा नाम मेंशन है यहाँ पर, जो जीवाणुओं एक प्रकार केमिकल होता है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बैक्टीरियो स्टैटिक मीन्स होता है एजेंट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, जो एक प्रकार का एजेंट होता है जो क्या करता है, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, इट कीप्स द देम इन द स्टेशनरी फेस ऑफ द ग्रोथ, मतलब उसको स्टेशनरी फेड में बना रखता है। स्टेशनरी फेस का मतलब होता है अगर कोई भी बैक्टीरिया यहाँ पर है तो यहाँ से हिले डुलेगा नहीं, यहीं पर रहेगा, यहाँ पर क्या होगा, स्थिर रहेगा, स्टैटिक रहेगा, इसीलिए इसका नाम है बैक्टीरियो स्टैटिक्स, तो ये उसी फेस में वहीं पर बना रहेगा। ओके नेक्स्ट एक टर्म आपके लिए मेंशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लिखा है बैक्टीरियल सीडल, इसका मतलब होता है किल द बैक्टीरिया। अगर पूछा जाए बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या जिम्मेदार है, ऑप्शन में मिले तब आपका आंसर ये होगा बैक्टीरियल, ये लिखा है बैक्टीरी सीडल, साइडल पढ़े या सीडल पढ़े आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, स्पेलिंग सही है यहाँ पर। ये बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है, किल द बैक्टीरिया, और ये ग्रोथ को रोकने के लिए होता है बैक्टीरियो स्टैटिक। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ लें, अपना आंसर बताएं। ये लिखा कामा, कामा नहीं होता ये वाला, आप जो कोई भी वर्ड लिखने के लिए बनाते हैं राम मोहन श्याम सीता तो कामा का यूज करते हैं, कहते हैं इस कामा की आकृति का जो जीवाणु होता है उसका उदाहरण है,
तो उसका जो उदाहरण है आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कामा सेप बैक्टीरियम, जो कामा के सेप का बैक्टीरिया होता है उसका आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन होगा इसका बी, ये लिखा है विब्रियो, विब्रियो नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसका जो आकृति होती है ना सेप, वो कामा की तरह होती है इस तरह। आप अपने हिसाब से पता होगा कामा किस तरह बनता है, यहाँ पर हमने मेंशन किया है ब्रैकेट में, ठीक है देख लें आप। ये कौन सा होता है, इसका नाम होता है विब्रियो नाम होता है, ठीक है। अगर पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ लें आप, ये बैक्टीरिया हैविंग द कामा लाइक, मतलब कामा के समान होता है सिंगल कर्व इन द बॉडी कर्व, मतलब ये बॉडी ये सिंगल होता है इस तरह, क्या होता है अपने आप को कर्व कर लेता है, कामा की तरह दिखता है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेंशन है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 19, अस्पताल से प्राप्त संक्रमण क्या कहलाता है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर आप बता सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सिंपल है, बताएं अपना आंसर। ऑप्शन है इसका सी, ये भी एग्जाम्स में पूछा गया, ये लिखा है नोजोको, ये लिखा है नोजोकोमियल, ये लिखा है नोजोकोमियल, यहाँ से स्पेलिंग पे फोकस करें, ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो NOSOCOMIAL लिखा है, ये अस्पताल से प्राप्त संक्रमण क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, ये लिखा है नोजोकोमियल कहलाता है, ऑप्शन सी है, आप यहाँ से देख लें, अगर जूम करना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पर जूम में इस तरह, या इंग्लिश में इसे कहेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं, जो अस्पताल से प्राप्त होता है संक्रमण। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 20, पढ़ लें अपना आंसर बताएं, मूत्र के नमूने से बेनेटिक टेस्ट किसका पता लगाने के लिए, यहाँ पर लिख लें किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, जो बेनेटिक टेस्ट किया जाता है, बेनेटिक टेस्ट फ्रॉम यूरिन सैंपल इज डन टू फाइंड आउट विच वन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बता सकते हैं आप। ऑप्शन है इसका फ्रेंड सी, ग्लूकोज का पता लगाने के लिए, किसका, ग्लूकोज का पता लगाने के लिए। तो एक टेस्ट से कई टेस्ट होते हैं एक ही बीमारी के पता लगाने के लिए, जैसे एलिसा था, वेस्टर्न ब्लॉट था, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है बेनेडिक्ट टेस्ट भी है, किससे, ग्लूकोज से रिलेटेड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कैन बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द ग्लूकोज इन द यूरिन, कितना यूरिन में ग्लूकोज है इस चीज़ का पता लगाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाया जाता है वो किस टेस्ट से पता लगाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही होता है ग्लूकोज, तो ध्यान रखना, एक आप समझदारी के लिए इशारा काफ़ी, आप इस तरह समझ सकते हैं, जो ग्लूकोज होता है उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार से क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है, किस तरह होता है, मीठा होता है, तो इससे क्या शुगर का पता लगाया जाता है, या इस तरह आप थोड़ा सा जानकारी के लिए आप समझ सकते हैं, बेनेडिक्ट जो टेस्ट किया जाता है उससे कार्बोहाइड्रेट का भी टेस्ट किया जाता है, इसका भी जांच किया जाता है, या ग्लूकोज का भी जांच किया जाता है कि यूरिन में कितना पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, आप इस तरह यहाँ से समझ सकते हैं। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, बाकी डिटेल्स और मेंशन है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट थी हमने बता दी आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 21, डेंगू वायरस का कौन सा सीरोटाइप सबसे खतरनाक होता है, विच सीरोटाइप ऑफ दी डेंगू वायरसेज इज द मोस्ट डेंजरस, क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स बी, सीरोटाइप जो सेकेंड होता है सेकेंड नंबर का, ये काफ़ी डेंजर माना जाता है सीरोटाइप सेकेंड डेंगू वायरस का, यहाँ पर आपके लिए मेंशन किया गया, ये कई प्रकार के होते हैं सीरोटाइप, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सीरोटाइप मेंशन है, डेंगू फीवर आर यूजली माइल्ड एल्बिट, ये लिखा है डिबिलिटेटिंग वायरल फीवर या ब्रिक बोन फीवर के नाम से जाना जाता है, किसे, डेंगू वायरस को, ये बात भी मेंशन है, इज द प्रीवेलेंट थ्रू आउट द ट्रॉपिक वेयर दी अर्बन डिवेलिंग मॉस्किटो, मॉस्किटो कौन सा होता है, एडीज एजेप्टी होता है, स्पेलिंग यहाँ पर मेंशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम बता रहे हैं, वो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एडीज एजेप्टी जिम्मेदार होता है डेंगू फीवर के लिए, ठीक है, और डेंगू फीवर को ब्रिक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो इसके सीरोटाइप होते हैं, सीरोटाइप देखो यहाँ पर, सीरोटाइप आर नोन, ये लिखा है DVV1, 2, 3, 4, ये चार प्रकार के सीरोटाइप यहाँ पर मेंशन है, ये WHO का डाटा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, जो इसका जो सेकेंड वाला होता है, जो डेंगू वायरस, DV का मतलब होता है DV1, DV2, ये सीरोटाइप है, DV1, DV2, DV3, DV4, तो आपको बताना होगा जो सबसे खतरनाक वाला होता है ना, वो 2 नंबर वाला होता है, दूसरा वाला, ठीक, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किस फैमिली का वायरस होता है ये वाला, तो आप बताएंगे अरबो, ये अरबो वायरस का ग्रुप होता है, अरबो वायरस फैमिली से रिलेटेड होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो डेंगू वायरस कभी कभी पूछ लिया जाता है डेंगू वायरस किससे रिलेटेड है, कई प्रकार के दे देंगे, फ्लैवी वायरस, अरबो वायरस, तब आपका आंसर होगा अरबो वायरस रिलेटेड है, ठीक है, खतरनाक कौन सा टाइप है, दूसरा वाला DV सेकेंड वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, पढ़ लिया अपना आंसर बताएं, क्वेश्चन नंबर 23 पे मेंशन है HIV किस समूह का वायरस है, HIV इज द वायरस ऑफ विच ग्रुप, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बता सकते हैं आप,
ऑप्शन है इसका सी रेट्रोवायरस। जो HIV होता है ये रेट्रोवायरस समूह से रिलेटेड है, रेट्रोवायरस फैमिली से या ग्रुप से रिलेटेड है, इस तरह आप समझ सकते हैं। रेट्रोवायरस कहीं भी मिले ये आपको HIV से रिलेशन बताएगा, ठीक है। ऑप्शन है इसका सी। यहाँ पर आप पढ़ लें थोड़ा सा, अगर पढ़ना चाहें कभी कभी रेट्रोवायरस ना मिलता है तो आप क्या बताएंगे अपना आंसर। तो ये लिखा है रेट्रोविरिडी लिखा है, क्या लिखा है रेट्रोविरिडी। कभी कभी इस तरह भी मेंशन होता है कि रेट्रोवायरस, ये रिलेशन इसका इसी से है, ये इसी का नाम है, ठीक है। नाउ क्या होता है, नाउन कभी कभी एडजेक्टिव लिखा जाता है, तो इस तरह आपको सिंगुलर प्लूरल में भी मेंशन किया जाता है, तो ध्यान रखना ये रेट्रोवायरस इसी से मिलता जुलता है, आप इस तरह समझ सकते हैं, ये इसका फैमिली का नाम है। तो ये HIV से रिलेटेड है ये दोनों, तो कभी ये मिल जाएगा तो कभी ये मिल जाएगा, तो दोनों पे ध्यान रखना है आपको। ऐसे भी सिंपल है, याद रहेगा आपको। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 24, पढ़ लें अपना आंसर बताएं। ये लिखा है कौन सी प्रजाति मलेरिया परजीवी की नहीं है, विच स्पीज इज नॉट मलेरिया परसाइट, बाकी सभी हैं एक के छोड़ के, वो कौन सा है। ऑप्शन है इसका डी। ये लिखा है प्लाज्मोडियम मेक्साना, ये इसका जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया मलेरिया परजीवी या मलेरिया जो मच्छर होता है उसके द्वारा जो प्रोटोजोआ इंजेक्ट होता है बॉडी में, इसको छोड़ के बाकी जो तीनों लिखे हैं ये इसके टाइप्स होते हैं या इसके अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर देख लें आप कौन कौन से होते हैं, कई होते हैं। ये लिखा है प्लाज्मोडियम मेक्सोना ये नहीं है। देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मलेरिया पैरासाइट, कई प्रकार के होते हैं। नंबर वन पे मेंशन है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट पे लिखा है प्लाज्मोडियम मलेरी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये टाइप्स हैं इसके, आपसे वो पूछा जाता है जो नहीं है, तो आपको ध्यान रखना ये सभी टाइप्स लिखे हैं। ये लिखा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर लिखा है प्लाज्मोडियम ओवल, फिर लिखा है प्लाज्मोडियम नोवेल, ये लिखा है नोलेसी, क्या लिखा है नोलेसी। ये अभी का लेटेस्ट है डाटा, आपको ध्यान रखना है। ये टाइप्स लिखे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, ये जो प्लाज्मोडियम होता है परजीवी उसके टाइप्स है मलेरिया परजीवी के, तो ध्यान रखना है। फैल्सीफेरम मलेरी, मलेरी पढ़ा जाएगा इससे, ये वाइवेक्स लिखा है, ये ओवेल लिखा है, ये नोलेसी लिखा है। इनके अलावा जो भी होगा वो ऑप्शन गलत होगा, कभी कभी ये सभी दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है ऑल ऑफ दिस, तो कई प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ें अपना आंसर बताएं। दूध को कीटाणु रहित करने का सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है, विच इज द सेफेस्ट वे टू डिसइनफेक्ट मिल्क, बताएं भाई आंसर क्या होगा। ऑप्शन है डी, ये सबसे अच्छा तरीका है। तरीके सभी अच्छे हैं लेकिन जो सबसे अच्छा पूछा गया है सेफेस्ट पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव की बात की गई, यहाँ पर सेफेस्ट पूछा गया है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री पे यहाँ पर मेंशन है, इसलिए ध्यान रखना। तरीके तो सभी अच्छे हैं लेकिन जो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर सेफेस्ट मेंशन है, सबसे अच्छा तरीका, तो आपको ध्यान रखना है पाश्चुरीकृत करना, क्या पाश्चुराइजिंग। इसी से क्या होता है, दूध को कीटाणु रहित करना सबसे अच्छा माना जाता है और अच्छा भी होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए अपना आंसर बताएं। TAB का टीका किसके विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट इज द TAB वैक्सीन यूज्ड अगेंस्ट, क्या बताएंगे आप अपना आंसर। ऑप्शन है इसका बी, टाइफाइड के लिए दिया जाता है TAB, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, सिंपल हो, लेकिन क्या है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एनी पर्सन, ओके। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए आप बहुत पढ़ा होगा आपने, लेकिन बहुत ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही निखार आती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27, पोलियो टीका जो होता है IPV यहाँ पर मेंशन है, निम्न में से किसका उदाहरण है, पोलियो वैक्सीन इज एन एग्जांपल। ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अपना आंसर बता सकते हैं आप। ऑप्शन क्या होगा इसका, पोलियो टीका IPV के बारे में बात की जा रही है, किस प्रकार का है, जीवित मृत टॉक्साइड। ऑप्शन होगा इसका सी, यहाँ पर मृत टीका होगा, कैसा होगा मृत टीका होगा। अगर आपको यहाँ पर इसका मतलब पता होगा फुल फॉर्म IPV का, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं इसका मतलब होता है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, क्या होता है इनएक्टिवेटेड। आई से ही सारा आंसर क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। इनएक्टिवेटेड का मतलब होगा जो एक्टिवेट ना हो, एक्टिवेट ना हो मतलब मृत होगा, वो कैसा होगा डेथ होगा, मरा हुआ होगा, तो इस यहाँ से आंसर क्लियर हो जाएगा IPV से, ओके। OPV IPV करके ही एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, और ये इसी तरह पूछा गया था एग्जाम्स में। IPV से आप क्लियर कर सकते हैं। IPV आई का मतलब होता है इनएक्टिवेटेड, इनएक्टिवेटेड का मतलब होगा जो मरा हुआ हो, मतलब एक्टिवेटेड ना हो, तो मृत टीका होगा। किस प्रकार का एग्जाम्पल है मृत टीका का, आप यहीं से समझ लें। और एडिशनल जानकारी है आपके लिए यहाँ पर, आप समझ सकते हैं, ये लिखा है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, पोलियो वायरस वैक्सीन, ये पूरा नाम लिखा हुआ है यहाँ से याद करें। ये लिखा है प्रोटेक्ट्स पीपल्स अगेंस्ट दी थ्री, ये लिखा है ऑल थ्री टाइप्स ऑफ पोलियो वायरस, ये तीनों प्रकार के जो पोलियो होते हैं ना, ये IPV उन सभी से ये रक्षा प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है IPV। और दुनिया में जो सबसे ज़्यादा टीका लगाया जाता है वो IPV है, अमेरिका भी इसी को रिफ़र करता है,
इसी टीके को आईपीवी को रिफर करता है, ठीक है। मोस्टली यही टीका लगाया जाता है क्योंकि ये क्या करता है, तीनों प्रकार के जो वायरस पोलियो वायरस होते हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये लिखा है आईपीवी डज नॉट कंटेन्स लाइफ वायरल वैक्सीन, ये लाइफ नहीं होता तो इसका कैसा होगा, मृत होगा। यहाँ पे लिखा डज नॉट कंटेन्स लाइफ वायरल, इस पर लाइफ वायरस नहीं पाया जाता, किसी लाइफ वायरस का इसमें यूज नहीं किया जाता, इसलिए क्या ये मृत है, तो ये भी बात ध्यान रखनी है। सो पीपल हु रिसीव द वैक्सीन डू नॉट सेट द वायरस एंड ये लिखा कैन नॉट इन्फेक्ट अदर्स एंड द वैक्सीन कैन नॉट काज द डिसीजन। इस पे जो लाइफ वायरल वैक्सीन नहीं होता, इसी वजह से क्या होता है, जो व्यक्ति वैक्सीन इस्तेमाल करते हैं लगाया जाता है जिनको, तो उनको किसी प्रकार का इन्फेक्शन होने के चांस नहीं होते और वो बीमार होने के चांस भी नहीं होते। उम्मीद है आप अच्छे समझ गए होंगे, यही इसी को इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज़्यादा आईपीवी को, क्योंकि ये आईपीवी डज नॉट कंटेन द लाइफ वायरस, इस पे लाइफ वायरस नहीं पाया जाता, इसलिए इन्फेक्शन के बहुत कम चांस होते हैं, चांस ही नहीं होते, बहुत ही रेयर, और दुनिया में सबसे ज़्यादा आईपीवी इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल की पहचान निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल इज आइडेंटिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बताएं अपना आंसर। हमेशा आप कोशिश किया करें अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर बताने की। ऑप्शन होगा इसका सी, ये लिखा है एसिड फास्ट स्टेन के द्वारा क्या किया जाता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिन की जांच की जाती है। इसी तरह आप याद कर लें, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में कभी टाइम मिलेगा तब आपको बताएंगे इसे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर है 29, यहाँ पर लिखे कौन सा टीका शिशु को दस्त से बचाता है। विच वैक्सीन प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम द डायरिया, क्या बताएंगे अपना आंसर आप इसे। ऑप्शन होगा इसका डी, रोटावायरस जो वैक्सीन होती है जो शिशु को क्या करती है, दस्त से बचाती है, दस्त से डायरिया से बचाती है। यहाँ पर मेंशन है, काफ़ी जानकारी आपके लिए अच्छी है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। रोटावायरस वैक्सीन कैन प्रिवेंट द रोटावायरस, ये लिखा है रोटावायरस काजेज द डायरिया एंड मोस्टली इन बेबीज, क्या होता है बेबीज में या चिल्ड्रेंस में, एंड द यंग चिल्ड्रेंस, बेबी में और यंग चिल्ड्रेन में ये क्या करती है, दस्त से बचाता है। कौन, रोटावायरस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द डायरिया कैन बी सिवर एंड लीड टू द डिहाइड्रेशन, और इसी की वजह से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, हिंदी में क्या कहते हैं, निर्जलीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30 नंबर, पढ़े अपना आंसर बताएं। कौन सा टीका शिशु में एससी का मतलब होगा यहाँ पर सबक्यूटेनियस मार्ग द्वारा लगाया जाता है, बताएं अपना आंसर भाई। विच वैक्सीन इज वैक्सीनेटेड बाय द एससी रूट इन इन्फेंट्स, बता सकते हैं अपना आंसर। ऑप्शन होगा ऑप्शन है इसका फ्रेंड्स सी, जो एससी के माध्यम से लगाया जाता है। एससी का मतलब होता है सबक्यूटेनियस, किसके माध्यम से लगाया जाता है, सबक्यूटेनियस के माध्यम से लगाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आप मीजलेस कहेंगे या खसरा का टीका कहेंगे, ये एससी मार्क के माध्यम से शिशुओं को लगाया जाता है। एससी का मतलब यहाँ पर मेंशन है, कभी कभी इस तरह मिलता है, इस तरह भी मिलता है एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन है यहाँ पर 31, पढ़ लें अपना आंसर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पे मेंशन है, किसी एक को छोड़कर बाकी सभी वैक्सीन बैक्टीरिया या वायरस को मारकर बनाई जाती हैं। ऑल अदर्स वैक्सीन एक्सेप्ट वन आर मेड बाय किलिंग बैक्टीरिया और वायरसेज, तो बताएं अपना आंसर। एक को छोड़कर जो बाकी यहाँ पर मेंशन है, कह रहा है कि वो वायरस या बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं, उनको मारकर बनाया जाता है एक को छोड़कर, तो आप बताएं किसको छोड़कर। ये एग्जाम्स में पूछा गया है नर्सिंग स्टाफ में, ऑप्शन है इसका सी, BCG को छोड़कर बाकी जो भी वैक्सीन दी गई हैं वो किसी बैक्टीरिया या वायरस को मारकर बनाई जाती हैं। आपको ये बात ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये दो बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। किसी एक वैक्सीन को छोड़कर बाकी सभी जो वैक्सीन है बैक्टीरिया या वायरस को मारकर बनाई जाती हैं, लेकिन BCG को छोड़कर, ठीक है, बाकी सभी बनाई जाती हैं BCG को छोड़कर। क्वेश्चन है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मेंशन है 32, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन, मोस्टली लोगों ने इसका आंसर सही दिया था, जिनका आंसर गलत है देख लें, ऑप्शन इसका सी होगा, सिक्किम। सिक्किम में क्या है, सबसे ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है कहाँ, वो सॉरी सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है कहाँ, सिक्किम में। और जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है वो यूपी में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, यूपी में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या पूछेगा आप बताएंगे उत्तर प्रदेश, सबसे कम पूछेगा तब आपका आंसर होगा सिक्किम, जब पूछेगा सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ का है किस राज्य का जनसंख्या के हिसाब से, तब आपका आंसर होगा बिहार। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बात ध्यान रखनी है आपको।
बिहार का क्या है, पॉपुलेशन जो डेंसिटी वो ज़्यादा है, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व तो कहते हैं इसे, पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का ज़्यादा है। जनसंख्या में बात करेंगे, पॉपुलेशन में नंबर वन कौन सा है, उत्तर प्रदेश ने अपना नाम रोशन किया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पे, सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्र आता है, ये बात भी ध्यान रखनी है। पहले में यूपी, दूसरे में महाराष्ट्र आएगा, महाराष्ट्र आएगा, और पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार आएगा। अगर सबसे लोवेस्ट में बात की जाए, सबसे कम जो न्यूनतम पाया जाता है लोवेस्ट, वो सिक्किम में पाई जाती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 33, क्वेश्चन नंबर 33, आईवी सेट का उपयोग में आने के बाद किस रंग के डिब्बे में डाला जाता है, जो आईवी सेट होता है उसका उपयोग करने के बाद यहाँ पर, या आने के बाद, करने के बाद किस रंग के डिब्बे में आप डालेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपना आंसर आप बता सकते हैं यहाँ पर, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन विच कलर बॉक्स इज द आईवी सेट इंसर्टेड आफ्टर यूज, कहाँ पर आप उसे डालेंगे, किस वाले में डालेंगे, काले में, नीले में, लाल में, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे विथ डिटेल के साथ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इसे शेयर करें आप और लाइक कर सकते हैं इसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय।